आज तक हम ही लोग थे जो किसान बिल पर आए हुए लोगों के आंदोलन का विरोध कर रहे थे, पर अब कुछ सत्यवादी मुस्लिम महिलाएं भी सामने आ रही हैं, जो लोग ये कह रही हैं कि हाँ जो विरोध हो रहा है इस बिल का वो गलत हो रहा है। अब ये बात आगे वीडियो में आपको पता ही चल जाएगी। ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं, ये जो लड़की आप लोग देख रहे हैं, ये खुद महिला विरोध कर रही है इस चीज़ का, और ये अकेली नहीं कर रही, ऐसी दसियों वीडियो हैं। अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो इनमें से सबसे अच्छी छांट कर क्लिप मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पर मेन चीज़ ये है, मैं क्यों देखो सब मुस्लिमों को मैं एक जैसा नहीं मानता और क्या कारण है ये आप लोग समझते हैं। कुछ सद्दाम हुसैन जैसे जानवर भी होते हैं और कुछ लोग एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भगवान भी होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फिर से एक बार दिल्ली की जनता को खतरे में ढकेलने की साजिश षड्यंत्र कर लिया है, और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की पुलिस को 550 से अधिक डीटीसी बसेस दी हुई थी, अब अरविंद केजरीवाल जी उन्हें वापस मांग रहे हैं। और ये आप बोलिए ना बोलिए, पर हमें समझ आ रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर जो आप लोग हिंसा प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको जो रोकना चाहती है दिल्ली की पुलिस और केंद्र सरकार, आप उसके ऊपर रोक लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि उनका एक हथियार ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली की डीटीसी बसेस, वो आप उनसे वापस लेने फैसला कर चुके हैं। और यह आपने इसलिए करा है क्योंकि आप लोग ही हैं जो फंडिंग करते हैं राकेश टिकैत जैसे लोगों को, योगेंद्र यादव जैसे लोगों को, कि वो दिल्ली में आगजनी कर सके। नहीं तो मुझे बताइए ना कि वहां वहां आपके सारे कार्यकर्ता बंधु लंगर बांटने, किचन चलाने कैसे पहुंच जाते हैं जहां जहां पर दंगा होता है, चाहे वो शाहीन बाग का प्रदर्शन रहा हो, चाहे वो आप किसान आंदोलन के नाम पर आप लोग हिंसा प्रदर्शन कर रहे हो। आप हमें बताइए कि ये आपकी सारी फंडिंग किधर चली जाती है। जब किसान भूख से आत्महत्या कर लेता है, जब वो कर्जा नहीं चुका पाता और आत्महत्या कर लेता है, भूखा मरता है, तब आप लोगों की फंडिंग कहां चली जाती है? योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये सब दिल्ली को जलाने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, आगजनी करने का मौका फिर से ढूंढ रहे हैं। पर याद रखिएगा, अगर आप करेंगे ना तो अब केंद्र सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, दिल्ली की पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, आप जल्द सलाखों के पीछे होंगे।